गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको बताया कि इस बार एग्जाम पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, तो हम आज मास ट्रांसफर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ स्पीसीज ए एंड बी द मास एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज। तो मास एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, यू इक्वल टू समेशन ऑफ रो आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ रो आई। तो यहाँ पे रो आई क्या है, आईएथ डेंसिटी ऑफ आईएथ कंपोनेंट, यू क्या है वेलोसिटी ऑफ आईएथ कंपोनेंट। तो सिंपल क्वेश्चन है, बाइनरी मिक्सचर हमें गिवन है, तो क्या हो जाएगा, रो ए वी ए प्लस रो बी वी बी अपॉन टोटल डेंसिटी रो। सेकेंड क्वेश्चन है, बाइनरी मिक्सचर ऑफ ओ टू एंड एन टू विथ पार्शियल प्रेशर इन द रेशो 0.21 एंड 0.79 इज कंटेन्ड इन अ वेसल एट 300 केल्विन। द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज 1×10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, इसका पार्शियल प्रेशर रेशियो दिया हुआ है ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। तो पूछा क्या है हमसे, कंसेंट्रेशन पूछी है। तो आइडियल गैस मिक्सचर, आइडियल गैस लॉ क्या होता है, पी वी बराबर एन आर टी, तो एन अपॉन वी क्या हो जाएगा हमारा कंसेंट्रेशन। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी बराबर सी आर टी। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, सी कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका रेशियो दे रखा है, तो ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, 0.21 होता है। तो प्रेशर कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का, 0.21 इनटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर हमें गिवन है 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जब प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो या पास्कल में हो, आर की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 8.314। आर क्या है हमारा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर हमें गिवन है 300। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी मोल पर मीटर क्यूब में, और हमें ऑप्शन में क्या गिवन है, किलो किलोग्राम मोल पर मीटर क्यूब, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा, 8.42×10^-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ स्पीसीज ए एंड बी द मोलर एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड है। तो मोलर एवरेज डेंसिटी क्या होता है, वेलोसिटी यू इक्वल टू समेशन ऑफ सी आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ सी आई। ठीक है, सी आई यहाँ पे क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ आईएथ कंपोनेंट, और यू आई वही वेलोसिटी ऑफ आईएथ कंपोनेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, C1U1 प्लस C2U2 अपॉन टोटल कंसेंट्रेशन। ठीक है, C1 अपॉन C हमारा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, N1 अपॉन N भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, NAVA प्लस NVVB अपॉन टोटल मोल्स N। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मोलर फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या था, बाइनरी मिक्सचर गिवन था हमको O2 एंड N2 का, उनका मोलर रेशियो, पार्शियल प्रेशर का रेशियो गिवन था, टेम्परेचर गिवन था, टोटल प्रेशर गिवन था। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है मोलर फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो आइडियल गैसेस के लिए क्या होता है, जो मोलर फ्रैक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है, और दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज के इक्वल होता है। तो हमें मोलर फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, पार्शियल प्रेशर का रेशियो हमें गिवन था, नाइट्रोजन का कितना था, 0.79, तो मोलर फ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा, 0.79। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सेम एज क्वेश्चन 2, वही वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास डेंसिटी ऑफ O2 एंड N2। तो जब मास डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं, तो ये आइडियल गैस फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, PM बराबर रो RT। पी यहाँ पे हमारा प्रेशर, एम क्या है मॉलिक्यूलर वेट, रो क्या है डेंसिटी, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी इज़ द टेम्परेचर। तो जब O2 के लिए डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, PM अपॉन RT। ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा O2 का, 0.21 हमें रेशियो की बनता है, तो 0.21 इंटू टोटल प्रेशर। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है O2 का, 32। आर की वैल्यू वही 8.314, और टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे भी हमें क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालना है, तो 1000 से डिवाइड कर दिया। तो जो आंसर आएगा, मास डेंसिटी ऑफ O2 कितनी आएगी, 0.269 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसे ही N2 की निकालेंगे, तो N2 के लिए क्या आ जाएगा, सिर्फ मॉलिकुलर वेट चेंज होगा और दूसरा प्रेशर चेंज होगा। तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, टोटल प्रेशर का 0.79 इंटू जो मॉलिकुलर वेट है नाइट्रोजन का, वो कितना हो जाएगा, 28। तो यहाँ से हम नाइट्रोजन की डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो वो आ जाएगी हमारी 0.887 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू फॉर मास ट्रांसफर टू अकर। मास ट्रांसफर होने के लिए क्या कंपलसरी है, हमेशा क्या ज़रूरी है। ठीक है, तो वो क्या होता है, ऑप्शन गिवन है हमें, डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन, डिफरेंस इन प्रेशर, डिफरेंस इन टेम्परेचर, एंड डिफरेंस इन केमिकल पोटेंशियल। ठीक है,
तो मास ट्रांसफर, अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा तो मास ट्रांसफर होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा तो भी मास ट्रांसफर होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो भी मास ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर ये नहीं भी है तो भी मास ट्रांसफर होता है। तो कंपलसरी कंडीशन क्या है? डिफरेंस इन केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बॉल रोल्स डाउन ए स्लोप टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मास ट्रांसफर क्या होता है बेसिकली? मास ट्रांसफर किसी भी सिस्टम में क्यों होता है? ताकि वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ सके, या फिर सिस्टम की एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। तो अगर ये तीनों कंडीशन नहीं होगी, कंसंट्रेशन डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, तो भी हमारा मास ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, बॉल बॉल वाला एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है कि ये अपनी स्टेडी कंडीशन से मूव करती है, क्यों? ताकि पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मोल इन मॉलिक्यूल इन ए मिक्सचर मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 0.03 मीटर पर सेकेंड इन प्लस एक्स डायरेक्शन, ठीक है। एक कोई मिक्सचर है, उसमें हमारा ए मॉलिक्यूल है जो कि 0.03 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। द कंसनट्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0.5 मोल पर लीटर। कंसनट्रेशन गिवन है हमें इस पार्टिकल की, ए पार्टिकल की। फिर है, ए ऑब्जर्वर इज रनिंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक ऑब्जर्वर है जो अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मोलर फ्लक्स रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, ठीक है। तो मोलर फ्लक्स क्या होता है हमारा? मोलर फ्लक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं एन, ठीक है, तो वो अगर हम स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिलेटिव में लेते हैं, यानी कि कोई जो हमारा ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। सिर्फ जो हमारा मॉलिक्यूल है वो ही मूव कर रहा है, तो हमारा मोलर फ्लक्स क्या होता हो जाता है? एन आई इक्वल टू सी आई इंटू यू आई, कंसनट्रेशन इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम रिलेटिव टू ऑब्जर्वर मूविंग विथ द मास एवरेज वेलोसिटी, अगर जो हमारा ऑब्जर्वर है वो मास एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो मोलर फ्लक्स होगा वो क्या हो जाता है? सी आई, और यू आई की जगह क्या हो जाता है हमारा? यू आई माइनस यू। यू क्या है हमारा यहाँ पे? मास एवरेज वेलोसिटी, और यू आई वेलोसिटी ऑफ आईथ कंपोनेंट। अगर हमारा जो ऑब्जर्वर है वो मोलर एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमारा मोलर फ्लक्स क्या हो जाएगा? सी आई इंटू यू आई माइनस यू। यार कैपिटल यू क्या है हमारा यहाँ पर? मोलर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है मोलर फ्लक्स जब जो ऑब्जर्वर है वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमें क्या गिवन है यहाँ पे? मोलर एवरेज वेलोसिटी गिवन है। किसकी? ऑब्जर्वर की। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जे आई वाला, जे आई बराबर सी आई यू आई माइनस कैपिटल यू। तो मोलर फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा हमारा? सी। सी क्या है हमारा यहाँ पे? कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन हमें गिवन है 0.5 मोल पर लीटर। लीटर लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में क्या होता है? 1000 लीटर, तो वो करेंगे तो हम क्या आएगा हमारा? 500 मोल पर मीटर क्यूब। वेलोसिटी हमें दे रखी है पार्टिकल की 0.03, और जो ऑब्जर्वर है उसके माइनस एक्स डायरेक्शन में दे रखी है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम मोलर फ्लक्स हमारा फॉर्मूला पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा? सी यू का मान, हमें दोनों यू का मान पता है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से जो मोलर फ्लक्स आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा? 1015 मोल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्यूमिंग द फॉलोइंग थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। हमें एयर की थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज गिवन है, डी म्यू सी पी प्रांटल नंबर और डेंसिटी सब गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ श्मिट नंबर हमें कैलकुलेट करना है। तो ये क्या होता है श्मिट नंबर? क्या होता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन डिफ्यूजिविटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है हमारा? डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है? डायनेमिक विस्कोसिटी गिवन है म्यू, और डेंसिटी गिवन है रो, और डिफ्यूजिविटी भी गिवन है। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.623। बाकी जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है, प्रांटल नंबर की वैल्यू है, सिर्फ कन्फ्यूज़ करने के लिए, और इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरवुड नंबर इज अ फंक्शन ऑफ, ऑप्शन गिवन है ल्यूस नंबर और रेनॉल्ड्स नंबर, प्रांटल नंबर एंड ल्यूस नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर एंड श्मिट नंबर, श्मिट नंबर एंड ल्यूस नंबर। तो शेरवुड नंबर क्या होता है हमारा? शेरवुड नंबर होता है के एल अपॉन डी। के क्या होता है? मास ट्रांसफर कॉफिशियंट, एल इज अ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, और डी इज अ डिफ्यूजन कॉफिशियंट, ठीक है।
तो ये बेसिकली शेरवुड नंबर जो होता है वो रेनॉल्ड्स नंबर और श्मिट नंबर का फंक्शन होता है। जैसे कि एवरेज मास ट्रांसफर कॉफिशियंट क्या होता है, शेरवुड नंबर क्या होता है 0.664, रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 0.5 और ये क्या बोलते हैं श्मिट नंबर की पावर 0.33। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द कंसंट्रेशन ऑफ द टू फेज इन अ क्लोज सिस्टम एट द इंटरफेज इज, ऑप्शन है चेंजेस कंटिन्यूसली, नेवर चेंजेस, बिकम जीरो, इंक्रीजेस टिल द ड्राइविंग फोर्स बिकम जीरो। तो जनरली इंटरफेज कब बनती है, इंटरफेज अकर्स एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम पे आ जाती है तो हमारी इंटरफेज बनती है। तो जो कंसंट्रेशन होती है ना वेपर फेज की और लिक्विड फेज की वो ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, तो उसके बाद क्या हो जाता है मास ट्रांसफर नेग्लिजिबल हो जाता है, तो जो इनकी कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी चेंज नहीं होगी। फिर इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या होता है कि अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो क्या होगा, फिर से वो कंसंट्रेशन चेंज होगी जब तक कि वो यूनिफॉर्म ना हो जाए, फिर उसके बाद वापस से इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, लेकिन वो जो पहले वाली इक्विलिब्रियम कंडीशन से अलग होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेवर चेंजेस, इंटरफेस हमेशा इक्विलिब्रियम पे होगा और वहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ हाई बॉइलिंग सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज, हाई बॉइलिंग वॉलेटाइल इम्प्योरिटी फ्रॉम स्टिल हायर बॉइलिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, तो स्टीम ऑप्शन हमें गिवन है कि जो स्टीम डिस्टिलेशन है वो सेपरेशन किसके सेपरेशन के लिए यूज आती है, हाई बॉइलिंग सब्सटेंस जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट हो, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जिस सब्सटेंस का, उसको हमें नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी से सेपरेट करना है। तो सेकेंड ऑप्शन है कि जिसमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो हाई बॉइलिंग वॉलेटाइल है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और वो वॉलेटाइल है, फ्रॉम हायर बॉइलिंग सब्सटेंस और जो सब्सटेंस है वो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या है ज़्यादा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बोथ ए एंड बी, स्टीम डिस्टिलेशन दोनों के लिए यूज़ करते हैं, जब हाई बॉइलिंग वॉलेटाइल इम्प्योरिटी हो चाहे हाई बॉइलिंग सब्सटेंस हो। ठीक है, तो इस जब तब हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एजियोट्रोपिक मिक्सचर द इक्विलिब्रियम वेपर कंपोजिशन इज मोर देन लिक्विड कंपोजिशन, लेस देन लिक्विड कंपोजिशन, सेम एज लिक्विड कंपोजिशन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है कि जिसमें जो हमारे कंपोनेंट है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल सा होता है, तो उसको हम नॉर्मल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, वो हमारा क्या हो जाता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, तो जो इसमें जो इक्विलिब्रियम वेपर कंपोजिशन होगा वो क्या होगा लिक्विड कंपोजिशन के सेम होगा, इसलिए हम उसको क्या नहीं कर पाएंगे सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेपरेट होने के लिए क्या होता है जो वेपर में जो मोल फ्रैक्शन है वो हमेशा लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन होता है उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, वाई शुड बी ग्रेटर देन एक्स फॉर सेपरेशन, तो अगर इक्वल हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा सेपरेशन, नॉर्मल डिस्टिलेशन से नहीं होगा, वो हमारा एजियोट्रोपिक मिक्सचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लडिंग इन अ कॉलम रिजल्ट्स ड्यू टू हाई प्रेशर ड्रॉप, लो प्रेशर ड्रॉप, लो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एंड हाई टेम्परेचर। तो फ्लडिंग होता क्या है, जो हमारा पैक्ड कॉलम है, पैक्ड कॉलम में क्या होता है कि गैस वेलोसिटी अगर बहुत लो है तो क्या होगा कि वो पैक्ड कॉलम में क्या होता है, नीचे से गैस एंटर हो रही है, ऊपर से लिक्विड हमारा आ रहा है, तो इस गैस और जो लिक्विड रेशियो है इसकी फ्लो रेट क्या होनी चाहिए, ऑप्टिमम होनी चाहिए। तो अगर हमारी गैस वेलोसिटी बहुत कम है, गैस फ्लो रेट, और लिक्विड ऊपर से आ रहा है उसी फ्लो रेट से, तो क्या होगा कि जो गैसेस है वो प्रॉपर लिफ्ट नहीं कर पाएगी लिक्विड को, तो क्या होगा कि लिक्विड इकट्ठा होने लग जाएगा, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वीपिंग बोलते हैं। अगर हमारा अगर गैस वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा कि जो लिक्विड आ रहा है तो गैस और लिक्विड का प्रॉपर मास ट्रांसफ़र नहीं होता, उनका कांटेक्ट ढंग से नहीं होगा, तो मास ट्रांसफ़र ढंग ठीक से नहीं होगा, तो भी क्या होगा कि लिक्विड पास हो जाएगा और जो पैक्ड कॉलम है हमारा वो उसमें लिक्विड है वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं लोडिंग, यहाँ पे मास ट्रांसफ़र प्रॉपर नहीं होता है। अगर
गैस वेलोसिटी हम फर्दर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा कि पूरा कॉलम होता है वो पूरा ही लिक्विड से भर जाता है और वहाँ पे मास ट्रांसफ़र रुक जाता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फ्लडिंग। तो जब गैस वेलोसिटी जो होती है, गैस फ्लो रेट, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है तो क्या होता है, वो बहुत हाई प्रेशर क्रिएट करती है इन द पैक्ड कॉलम। तो हाई प्रेशर ड्रॉप की वजह से क्या होता है, फ्लडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, हाई प्रेशर ड्रॉप, फ्लडिंग इन अ कॉलम रिजल्ट्स ड्यू टू हाई प्रेशर ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्वेंट यूज्ड इन लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन शुड हैव सेलेक्टिविटी लेस देन वन, डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशेंट लेस देन वन, बोथ ए एंड बी एंड नाइदर ए एंड बी। तो सेलेक्टिविटी क्या होता है हमारा, सेलेक्टिविटी होता है जैसे हमारा कोई मिक्सचर है ए एंड बी, ए बी सी का कोई मिक्सचर है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बी हमारा सॉल्वेंट है जो हमने ए और सी को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया है, तो जो सॉल्वेंट है हमारा बी, उसकी एफिनिटी ए के लिए ज़्यादा होनी चाहिए रादर देन सी के लिए, ठीक है, तो वो उसकी क्या होती है, सेलेक्टिविटी। तो ये हमेशा क्या होती है, वन से ज़्यादा होती है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशियंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशियंट होता है जो हाई वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो किस में ज़्यादा है, वेपर फेज में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये रेशो होता है वाई स्टार अपॉन एक्स, वाई स्टार क्या होता है, जो वेपर फेज होती है उसमें जो उसकी कंसंट्रेशन होती है, उसके मोल फ्रैक्शन किसके, हाई वोलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन जो है वो वेपर फेज में ज़्यादा होना चाहिए। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशियंट है उसका मान भी हमेशा एक से ज़्यादा होगा तो ही हमारा लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे दोनों ही गलत है, क्योंकि इसमें बोला क्या है कि लेस देन वन, जबकि होना क्या चाहिए, ग्रेटर देन वन।